आज हमारे किचन में बन रही है बैंगन की चाशनी। हेलो फ्रेंड, मैं पिंकी, फ्लेवर ऑफ जॉय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वो भी फ्री में। आज की ये मज़ेदार रेसिपी मैंने अपनी दादी अम्मा से सीखी है और ये रेसिपी बहुत ही खास होने वाली है जिन लोगों को बैंगन बहुत ही पसंद है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने दो बैंगन लिए हैं, ये बिल्कुल बड़े साइज की भी नहीं है और एकदम से छोटी वाली बैंगन भी नहीं है। और इसे हमने बीच से दो पीस में काट लिया है और इसके बीच से ऐसा एक कट लगाया है। तो इस तरह से बैंगन को काट लेनी है और इसकी डंठल को मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाला है, तो डंठल को नहीं निकालनी है। और इस तरह से मैंने दोनों बैंगन को काट लिया है और इसे हमने पहले ही धो रखी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हम ले लेंगे 1/2 टीस्पून और इसके साथ ही हम इसमें देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। और इसके बाद हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो मिक्स हम आज हाथ से ही करते हैं, तो इस तरह से कुछ हम अच्छे से इसमें लगा लेते हैं ताकि बैंगन में हल्दी और नमक बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छा फ्राई होगा, तो इसलिए इसे बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। और ये अब मिक्स हो गई है तो हम थोड़ा मसाला भी रेडी कर लेते हैं। तो मसाले में हम ले लेंगे 2 टीस्पून जीरा एंड 3 टीस्पून हम लेंगे इसमें सरसों। तो सरसों यहाँ पे हमने काली सरसों ली है, आप चाहो तो पीली सरसों भी ले सकते हो। और ले लेंगे इसमें हम 12 से 15 लहसुन की कलियाँ और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। और अब हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसे साइड रखते हैं। अब हम बैंगन को फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने कढ़ाई को बिठा दिया है और फ्लेम ऑन कर दिया है। डाल देंगे हम इसमें थोड़ा ऑयल और ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म होने तक वेट कर लेते हैं। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और एक एक करके हम बैंगन इसमें डाल देंगे। तो इसमें हम दो से ज़्यादा बैंगन नहीं डालेंगे, नहीं तो बैंगन अच्छे से फ्राई नहीं होगी। तो हम दो दो करके बैंगन फ्राई करेंगे। तो पहले हमने दो पीसेस ही यहाँ पे ऐड किया है और इसे पहले हम अच्छे से दोनों साइड फ्राई कर लेते हैं, फिर हम बाकी का बैंगन डाल के फ्राई कर लेंगे। तो इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है, वरना ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से ये कच्ची ही रह जाएगी। तो इसलिए हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम में ही कुक करनी है। एक साइड ये हो गई है तो हम इसे दूसरी साइड पलट देते हैं और इसे बहुत अच्छे से लाल करके फ्राई करनी है। तो हम इसे बहुत अच्छे से पहले फ्राई होने देते हैं और ये जब दोनों साइड बहुत अच्छे से लाल हो जाए, भुन जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। तो बैंगन हमारा लगभग फ्राई होने को चला है। निकालने से पहले हम एक बार चेक कर लेंगे कि बैंगन अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं, दोनों साइड ये अच्छे से कुक हो जानी चाहिए और इसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं। और इसके बाद दो पीसेस बैंगन की जो थी उसे भी हमने डाल दिया और उसे भी इस तरह से हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे बैंगन को निकाल के एक प्लेट में रख लिया है और अब हम इसका मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो ऑयल पहले से बची हुई थी उसी में हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून सरसों। और यहाँ पे हमने काली सरसों ली है तो यहाँ पे काली सरसों का ही यूज करना है। और इसके बाद जो मसाला का पेस्ट हमने बना के रखा हुआ था उस पेस्ट को हम इस ऑयल में ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हम लेंगे 1 टीस्पून क्योंकि पहले ही हमने बैंगन में नमक देके उसे फ्राई किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून नमक लिया है और ले लेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके साथ ही हमने ऐड करना है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। और अब हमने क्या करना है, अब हमें इसे बहुत अच्छे से कुक करनी है।
मसाले को बहुत अच्छे से कुक करनी है, ये बात याद रहे। तो यहाँ पे हाथ थोड़ी सी दर्द हो सकती है, तो इसे कंटिन्यू चलाते रहना है भले ही हमारे हाथ में दर्द क्यों ना हो। मेरी दादी का मानना है इस रेसिपी में मसाले को बहुत देर तक कुक करनी चाहिए, मसाले को बहुत अच्छे से भूननी चाहिए। तो इसमें पानी डालते जाइए थोड़ी थोड़ी और इसे भूनते जाइए, पानी डालते जाइए थोड़ी थोड़ी और इसे भूनते जाइए, और फ्लेम को मीडियम टू लो पे ही रखिए, फ्लेम को बिल्कुल भी हाई पे मत करिएगा। तो फ्लेम हमारा भी मीडियम टू लो पे ही है और हम ऐसे ही मसाले को बहुत अच्छे से कुक कर रहे हैं। इस मसाले को जब हम बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे ना, तो इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। वो टमाटर की प्यूरी हमने पहले ही बना के अलग से रखी हुई है, एक टमाटर की प्यूरी हमने मिक्सी जार में बना लिया है और उसे रखी हुई है। बट उसे ऐड करने से पहले इसे बहुत अच्छे से कुक करनी है। तो भाई मैं तो इसे 10 से 15 मिनट कुक कर रही हूँ। मैंने मसाले को लगभग 15 मिनट कुक किया है और अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर देते हैं। तो टमाटर की प्यूरी में हमने थोड़ी सी पानी ऐड करी थी, इसलिए ये पतला हो गया है और हमने इसे इसमें डाल दिया। तो अगर आप चाहे तो टमाटर को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, बट इसे काट के नहीं डालना है, इसका प्यूरी बना के ही डालना है। आप मिक्सी जार में बना लो, सिलबट्टे में बना लो, या फिर आप कद्दूकस करके डाल लो। तो अब हम इसे थोड़ी देर कुक करते हैं, जब तक कि टमाटर बहुत अच्छे से कुक नहीं हो जाता और इसमें से ऑयल नहीं रिलीज करने लगता, तब तक हमें इसे कुक करनी है। तो इसे भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे और पता है अभी से इसमें से बहुत अच्छी वाली खुशबू आने लगी है। तो जब टमाटर पक जाएगा फिर इसका टेस्ट कैसा होगा सोचिए। तो हमें तो ये डिश बहुत पसंद है और जिन लोगों का बैंगन फेवरेट है उनके लिए तो ये डिश बहुत ही खास होने वाली है। तो अगर आपको बैंगन बहुत पसंद है तो आप ये डिश ज़रूर से ट्राई करना, एंड अगर बैंगन पसंद नहीं भी है तब भी आप एक बार इसे ट्राई कर ही लेना, आप बैंगन के फ़ैन हो जाओगे क्योंकि इसका टेस्ट ही कुछ ऐसा आएगा। और अब मसाले को हमने बहुत अच्छे से कुक कर ली है और इसमें से अब ऑयल रिलीज करना शुरू कर दिया है, मसाला अच्छे से पक गया है। तो हम क्या करेंगे ना, हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। तो पानी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, पानी हम बिल्कुल हाफ कप ही देंगे क्योंकि बैंगन हमारा पहले से बहुत अच्छे से कुक हो गया है और इस बैंगन की सब्ज़ी में ग्रेवी होता नहीं है, ये बिल्कुल ठीक ही बनता है। तो इसलिए पानी हमने बहुत कम ही ऐड किया है और इसे एक बार अच्छे से हम चला लेंगे और पानी में उबाल आने तक वेट करनी है। तो जब तक पानी में उबाल नहीं आता बैंगन इसमें ऐड नहीं करना है, तो हम वेट कर लेते हैं पानी में उबाल आने का। और पानी में उबाल आ गई है तो हम एक एक करके बारी बारी बैंगन इसमें ऐड कर देंगे, एक ही बार में सारी बैंगन नहीं डालनी है नहीं तो वो टूट जाएगी। तो एक एक करके हमने बारी बारी यहाँ पे बैंगन ऐड कर देंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे थोड़ा चला लेना है और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। तो हम यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट ढक के कुक करेंगे। तो किसी प्लेट या ढक्कन से इसे ढक देते हैं और ठीक 2 मिनट बाद हम इसे खोल के एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे बैंगन हो चुका है। तो हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और कुछ हरे धनिया के पत्ते उसे हम काट के रखे हुए हैं तो उसे हम क्या करेंगे ना, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। धनिया पत्ते डालने से इस सब्ज़ी की टेस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। तो अगर आपके पास है तो आप इसे ज़रूर ऐड करें और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे स्किप कर देना। और इसके बाद इसे हम ढक के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं सब्ज़ी का कलर। तो ये देखिए हमारी दादी अम्मा की डिश बन के बिल्कुल तैयार है। तो एक बार इसे हम आप लोग को सर्व करके दिखाते हैं। वैसे तो इसका खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है, तो एक बार सर्व कर लेते हैं पहले इसे। तो मैंने यहाँ पे सर्व कर दिया है। फ्रेंड आप लोगों को हमारी ये दादी अम्मा की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूले। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करना।
हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।